चलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेखक तथा उनके जन्म स्थान का। ठीक है, इसमें क्या 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 है कि यदि आपको कहानी बता रहे हैं कि उनके जीवन परिचय की, तो आप ये सब चीज़ों को थोड़ा बहुत अपने ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स या एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की ओर। तो पहला, रामचंद्र शुक्ल। तो पहले इनको देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ कब था। तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में से और 1884 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1941 में हुआ था। जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान अगोना बस्ती था और शुक्ल युग के क्या थे? लेखक थे। इनके पिता चंद्रवल्ली शुक्ल मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक, कहानी, कविता, नाटक, निबंध आदि की रचना ये करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग से अध्यापक और युग प्रवर्तक के साहित्यकार भी थे। कौन था? तो वो रामचंद्र जी शुक्ल थे। अब इनकी भाषा कैसी थी? तो भाषा संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी के शब्दों का शुद्ध संयम, भावानुकूल प्रयोग। शैली कैसी है? तो विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, ठीक है, भावनात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक, तुलनात्मक। ठीक है, तो आप केवल विवेचनात्मक, आलोकात्मक ही लिख देंगे उतना ही बहुत रहेगा। और अगला है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो दो भाग इनके हैं। तो एक है चिंतामणि, दूसरा है विचार विथि और तीसरा रश्मि मांसा इतिहास का इतिहास। ठीक है, साहित्य का इतिहास सूरदास। ठीक है, और दूसरा है राम जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। तो जयशंकर प्रसाद कि ठीक है, 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इसकी इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। छायावादी युग के क्या थे? लेखक थे। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, सुंगनी साहू परिवार में जन्म लिया था इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने ने जयशंकर प्रसाद जी ने। और अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषाओं का ज्ञान इनको क्या था? प्राप्त था। रचनाओं में भारत के उज्जैन अतीत का चित्रण, छायावादी कवितिष्ठ में करना सर्वश्रेष्ठ नाटककार। संस्कृत की प्रधानता, खड़ी बोली, संस्कृत की तत्सम शब्दों का प्रयोग, भाषा में लक्षणात्मकता एवं व्यंग्यता। ठीक है, ये थी इनकी भाषा शैली। ठीक है, ये संस्कृत परिचय था इनका। और ये इनकी शैली क्या थी? वर्णात्मक, भावात्मक, अलंकृत, चित्रात्मक, सूक्ति संवाद, विचारात्मक। और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामी, इंद्रजाल, आकाशदीप, कंकाल, तितली, काव्य झरना, कामायनी, लहर, आंसू, ये इनकी जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट रचना है जो कि आगे भी पूछी जा सकती है। और अगला जो है वो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जीवन परिचय। तो इनका जब जीवन परिचय हुआ था वो 1894 से लेकर 1971 में इनके क्या हो गया था? मृत्यु हो गया, यानी 6 साल उधर, 71 तो 78 साल। तो कहाँ हुआ था? स्थान देख लेते हैं। तो स्थान है खैरागढ़, जबलपुर, मध्य प्रदेश। शुक्ल युग के प्रवर्तक, पिता का नाम उमराव बख्शी और बीए संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी का गहन अध्ययन। ठीक है, मतलब कि इन्होंने बीए किया और संस्कृत बांग्ला का गहन अध्ययन किया। ठीक है, स्वच्छंदवादी, ठीक है, स्वच्छंदतावादी काव्य एवं ललित निबंधों की रचना, निबंध, कहानी, आलोचना एवं पत्रकारिता क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान इनकी जो है समुचित परिचय है। भाषा क्या है? भाषा शुद्ध साहित्य, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, उर्दू के शब्दों का प्रयोग। और शैली क्या है? समीक्षात्मक, विवेचात्मक, भावनात्मक, व्यंग्यात्मक। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बहुत ही मेन है। तो हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, पत्र मत, पंचमात्र और पद्म वन, कुछ बिखरे पन्ने, प्रबंध, पारिजात। ठीक है, ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जो तीनों परिचय हैं आप इनकी जो एक बार कहानी पढ़ लेंगे और ये जो संक्षिप्त भाषा शैली प्रमुख रचनाएं ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको जीवन परिचय लिखने में बहुत ही आसानी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।